हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इज़रा मिलर की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद डीसी यूनिवर्स की द फ्लैश मूवी का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। मुझे तो लग रहा था ये भी मूवी कैंसिल हो जाएगी शायद, लेकिन 3 मिनट के इस ट्रेलर में भर भर के सरप्राइज एलिमेंट डाले गए हैं। जैसा हम सब फैन ने आस लगाई थी, सेम हमें कुछ वैसा ही ट्रेलर देखने को मिला। जी हाँ, ट्रेलर में हमें बेन अफ्लेक और माइकल कीटन ये दोनों का बैटमैन नजर आ रहा है। साथ में सुपरमैन की जगह इस मूवी में हमें सुपर गर्ल भी देखने को मिलेगी। पूरी मूवी टाइम ट्रेवल और डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने वाली है। ट्रेलर में हमें 2 फ्लैश दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से हमें इसमें रिवर्स फ्लैश भी देखने को मिलेगा, जो शायद से विलन हो। लेकिन इसमें मैन ऑफ स्टील मूवी यानी कि हेनरी केविल की सुपरमैन के डायमेंशन का जनरल जोड़ भी है, जो विलन हो सकता है। द फ्लैश मूवी पूरे डीसी यूनिवर्स को बदल के रख देगी। ये मूवी शायद डीसी यूनिवर्स का टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि इस मूवी में सारे मल्टीवर्स पॉसिबिलिटीज देखने को मिलने वाली है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग मूवी में दोनों फ्लैश और माइकल कीटन वाले बैटमैन मिलकर अलग अलग डायमेंशन में जाके फ्लैश पॉइंट की वजह से हुई गड़बड़ी को सही करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो ट्रेलर बहुत ही बवाल लगा है, जिसने 3 मिनट में इतने सारे कमाल के मोमेंट्स दे दिए हैं। मैं तो इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, जो 16 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन कई लोग इस मूवी को मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से कंपेयर करेंगे, जो गलत है। ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से काफी अलग और हटके होने वाली है। आपको मूवी का ट्रेलर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। समय का एक पैटर्न है, जिसकी मजबूरी है खुद को दोहराना। ये तो मेरा चेहरा है, तुमने मेरा चेहरा चुराया।